धनबाद विधानसभा सीट से आज जेबीकेएसएस के उम्मीदवार अभिषेक कुमार साहू ने भी नामांकन किया। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आलोक, आप देख रहे हैं नव बिहार। जेबीकेएसएस ये जेएलकेएम से जयराम महतो की पार्टी से टूटकर अलग हुई पार्टी है और इसके उम्मीदवार अभिषेक कुमार साहू जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, वो एक पढ़े लिखे, उन्होंने कई कंपनीज में नौकरी करने के बाद अब राजनीति का क्षेत्र चुना। उन्होंने नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चूंकि वे धनवार के हैं और धनवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करने की ललक उनके अंदर है, इसीलिए उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत तय है और जीतने के बाद वे धनवार में ऐसे काम करेंगे कि जनता उन्हें वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। देखिए अभिषेक कुमार साहू के नॉमिनेशन की तस्वीरें और फिर क्या कहा उन्होंने अपने मीडिया के साथ मुखातिब होते हुए। हमारे यहाँ पे हमारी जो विधि व्यवस्था है, लोगों के लोगों को जो भी कुछ मिला हुआ है यहाँ पे, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए मुझे लगता है कि हमारे जैसे युवा या एक बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए। यहाँ राजनीति को लोगों ने एक अखाड़ा बना दिया है कि सिर्फ पैसों की राजनीति होती है और लोग पैसों पर खरीद फरोख करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। और मेरा ये मानना है कि इतनी सारी कमियों के होने के बावजूद भी लोग उस पर ना ध्यान दे करके कि ये खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, कोई बहुत गर्व से बोलता है कि मैं मैट्रिक फेल हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बदलने के लिए और हमारी विधि व्यवस्था को बदलने के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। और मैं कोई बैकग्राउंड से राजनीति पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक बहुत आम नागरिक हूँ आपकी तरह, आप जैसे सभी लोग हैं उसी तरीके से मैं भी हूँ। हाँ, मेरी पढ़ाई बाहर से हुई और मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मैं इस क्षेत्र को एक नए क्षेत्र के रूप में देखना चाहता हूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्वास्थ्य के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। हमारे पास ना तो अस्पताल है, ना तो अस्पताल में किसी भी तरीके का, आप ये मान के चलिए कि ऑक्सीजन की सुविधा तक नहीं है। किसी भी निजी अस्पताल में भी ऑक्सीजन नहीं है हमारे धनबाद में, ना तो सुलभ शौचालय हमारे यहाँ पे, ना ही महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए कोई ढंग का कॉलेज है, ना ही हम किसी तरीके से अपने बच्चों को खेल के प्रति मोटिवेट कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरीके का ना तो कोई संसाधन है, ना तो कोई स्टेडियम है, ना ही हमारे पास इंडोर ऑडिटोरियम है, ना ही आउटडोर हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा विकास की अगर कोई बात करना चाहता है, कोई बड़े नेता है हमारे यहाँ इस मैदान में, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ या जनता इन लोगों से पूछे कि आपने अभी तक क्या दिया लोगों को। लोगों को कम से कम एक बौद्धिक विकास तो देते, कुछ नहीं कर पाते आप ज़्यादा, लेकिन लोगों को इतना तो मोटिवेट करते कि लोग आगे आकर के कुछ कर सके, इस क्षेत्र के लिए कुछ डेवलपमेंट ला सके। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं चुनावी मैदान में अपने 30 संकल्प को लेकर आया हूँ और मैं 30 का 29 नहीं करने वाला हूँ। मैं उस तरीके का जिद्दी आदमी हूँ कि जब तक लोग मानेंगे नहीं तब तक मैं मनाता रहूँगा उनको, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। आप किसके हाथ में दे रहे हैं सत्ता? आप किसी ऐसे आदमी को दें जो आपके क्षेत्र का हो, जो आपके आपके बीच का हो और वो नेता नहीं है, क्योंकि नेता तक पहुँचना ही आसान नहीं है आज के डेट में। तो एक आम आदमी नेता बने और एक आम आदमी लीडर बने और घर घर से लीडर बने, तभी आपका मोहल्ला सुधरेगा, तभी आपकी गलियां सुधरेगी, तभी आपका क्षेत्र सुधरेगा। तो मैं इन सारे मुद्दों के साथ राज धनवार की धरती पे हूँ और मुझे लगता है कि धनवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। जितने लोग मेरे साथ हैं, जितने समर्थक मेरे साथ घूमते हैं, जितने लोग मेरे साथ आते हैं, उन सभी लोगों को मैं पैसा नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं साफ कह चुका हूँ मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ भैया। मेरे पास खाना मैं खाता हूँ और मेरे साथ खाना खा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों का साथ है, बूढ़े बुजुर्गों का साथ मिल रहा है, माताएं बहनों का साथ मिल रहा है, परसों नरसों में रैली किया था तो बहुत सारे लोगों का मुझे सहयोग मिला,
और पैसों से बढ़ चढ़ के सहयोग मिला कि मेरे आत्मविश्वास को लोगों ने बढ़ाया, तो मैं इतना ज़रूर उनको वादा कर सकता हूँ कि आपको सिर्फ झारखंड में ही नहीं, धनवार पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा आने वाले कल में। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।